अब देखिएगा जैसे फिजिक्स है ये, और फिजिक्स में हमने पढ़ा दिया था समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण में कैसे कैसे प्रकाश बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे वस्तु बनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रखते हैं, सारा बातें डिस्कस हो चुकी है। अब ऐसे कोई बात नहीं है समतल दर्पण से छुटा हुआ जिसे हम डिस्कस करें, लेकिन फिलहाल हम एक दो बातों को डिस्कस करते हैं कि प्रतिबिंब बनता कहाँ। अगर जैसे दो दर्पण, जैसे देखिए बाबू, जैसे एक दर्पण ये हो गया, दो दर्पण, जैसे दो दर्पण टॉपिक यही है कि दो दर्पणों के बीच में बना प्रतिबिंब, दो दर्पणों के बीच में बना प्रतिबिंब, दो दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, दो दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या, यही आपको बताना है कि दो दर्पण को अगर हम रखते हैं, जैसे एक दर्पण यहाँ रख चुके हैं हम, टॉपिक के अनुसार देखिए टॉपिक है तो दो दर्पण रखते हैं। अब मान लीजिए एक दर्पण हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है, दो दर्पण रख दिए। अब दो दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए, अगर वस्तु को कहीं यहाँ पे रख देते हैं या यहाँ पे रख देते हैं, बीच में कहीं वस्तु को बैठा देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों दर्पणों के बीच में अगर हम वस्तु को बैठा देते हैं तो हाँ बाबू, तो दो दर्पण जैसे रखा गया, नियम बात यही करे कि दो दर्पण है और इसके बीच में वस्तु को कहीं रख दीजिए, कहीं रखिएगा, तो दर्पण ये दोनों दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। ये एग्जाम आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए इतना तो शायद कभी कभी ऐसे सवाल पूछा गया हो, लेकिन ये पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक आप ग्रुप डी या रेलवे के किसी तरह का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें ये सारा सवाल बनता है, ठीक है। तो जानना जरूरी है, किताब से सवाल दे रखा है, किताब में है तो उसको पढ़ना जरूरी होता है, सिलेबस का सवाल है तो पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए बताते हैं, अगर देखिए अगर थीटा का मान अगर सम रख दिया जाता है, थीटा का मान अगर सम हो, जैसे देखिएगा, जैसे देखिए थीटा का मान रखने पर, ठीक है, जैसे थीटा का मान अगर जैसे ही हम जैसे देखिए सम मान आता है, जैसे देखिए 360 बटा रखते हैं कभी थीटा, कभी रखते हैं थीटा, अगर सम आता है, कभी आता है सम आता है तो उसके प्रतिबिंब से एक माइनस कर लेना है, कभी कर लेना है एक माइनस कर लेना है। तो अगर सम आता है, सम आता है, सम प्रतिबिंब की संख्या क्या आता है, सम प्रतिबिंब की संख्या कितना आता है, सम, यहां लिखते हैं बढ़िया से लिख देते हैं यहां पे प्रतिबिंब, कमान सम आता है तो 360 बटा थीटा और माइनस 1 कर दीजिएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सुनिए यहां कैसे इसको देखेंगे, प्रतिबिंब की संख्या कैसे है। अगर हम वस्तु को 15 डिग्री पर रखते, कितना डिग्री पर बाबू, 15 डिग्री पर रखते, कितना डिग्री पर रख दिया हमने, 15 डिग्री पर रख दिए, ठीक है, क्लियर, 15 डिग्री पर रख दिए। अब यहां देखिए, अब थीटा पर अभी हमने देखा कि क्या संख्या निकालने के लिए क्या रख रहा है, सूत्र क्या रख रहा है, 360 अब बटा कितना 15, थीटा था ना सूत्र में, सूत्र में थीटा था, तो हमने थीटा का मान कितना रख दिया 15, तो 15 दुना 30 अब 15 चौका 60, यानी कि मान सम आया कि विषम, सम आया ना, एक माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया प्रतिबिंब की संख्या, 23 हो गया। प्रतिबिंब की संख्या कितना हो गया बाबू, 23, यानी कि अगर हम यहाँ 15 डिग्री पर वस्तु को रखते हैं, कितना डिग्री पर, 15 डिग्री पर रखते हैं, इसके अंदर 23 प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेंगे बाबू, 23 बनेंगे, कितना बनेंगे, 23, कितना बनेंगे, 23। अब देखिए प्रतिबिंब की संख्या पता कर लिए आप, कितना आया आपका प्रतिबिंब की संख्या, 23 आया।
अब ऐसे देखिए, जैसे देखिए कोई अगर वस्तु 45 डिग्री पर रखता है, कोई कितना पर रख दिया 45 डिग्री पे। ये सब वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा सब कोई, ठीक है। अगर देखिए बाबू, अगर 45 डिग्री पर अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख देते, कितना रख दिया बाबू 45 डिग्री पर रख दिए, थीटा का मान हमने कितना कर दिया 45, थीटा का मान कितना कर दिया बाबू 45, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 360 बटा कितना 45, ठीक है, 360 बटा कितना 45, तब पौने तीन 45, तब पौने चौका 60, पंद्रह चौका 60, 40 हो जाएगा, नहीं 15 × 30 आप पौने चौका 60, 8 × 3 = 24, यानी कि 8 − 1 कर देंगे, कितना आ गया 7 आया कि नहीं आया, प्रतिबिंब की संख्या कितना आया 7। अगर यहाँ 45 डिग्री पर रखते तो दोनों प्रतिबिंब कितना बनेगा 10 और 10 के पीछे कितना बनेगा 7 बनेगा। आप लोग आप कभी गए होंगे बाल कटवाने, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बाल कटवाने गए बीच में कुर्सी पर बैठते हैं तो देखते हैं 10 होने पीछे बना रहता है, 10 है बना रहता है नहीं बना रहता है, तो आप कभी दिमाग पे गया कि आखिर निकालते कितना प्रतिबिंब कितना पर बना है, कितना निकालना चाहिए हमको। अगर हम 90 डिग्री पे रख देते हैं, हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं बाबू 90 डिग्री पर रख देते हैं, कितना रख देते हैं 90 डिग्री पर रख देते हैं। अगर वस्तु हम 90 डिग्री पर रख देते हैं तो 360 बटा 90, 0 × 0 = 36, कैगो बनेगा बाबू 4 − 1 3 को बनेगा, इस दर्पण में कैगो 3 को, इस दर्पण में कैगो 3 को, इसलिए दर्पण को झुका के रखा जाता है थोड़ा सा, क्या ना एथी में सैलून में हल्का सा देखिएगा झुका के ऐसे रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, हल्का टेन इसे पीछे और इसको आगे कर दिया जाता है, कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता, ताकि आप तो 90 डिग्री पर बैठिएगा, आप तो 90 डिग्री पर रहेंगे तो शिष्य 60 या 45 पर रहेगा तब जाके कवर करेगा प्रतिबिंब, इसलिए आगे पीछे देखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, कभी पीछे वाला दिखता है कभी आगे वाला दिखता है, उसके चलते दोनों दर्पण लगा रहता है। इस तरह से आप प्रतिबिंब की संख्या निकाल देते, अगर 22 दफे बांध लेते हैं बाबू कि आपने प्रतिबिंब की संख्या तो निकाल सकते हैं, अगर प्रतिबिंब की संख्या दिया हो, प्रतिबिंब के संख्या दिया हो और आप थीटा पता करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सूत्र है मैं बताता हूं आपको। प्रतिबिंब का अगर संख्या पता करना है तो उसके लिए भी हमने सूत्र बना के रखा है बाबू, एक किताब में नहीं है लेकिन मैं बनाया हूं, इसको देख लो, अच्छा से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो अच्छा से। देखो अगर थीटा दे प्रतिबिंब की संख्या दिया हो और आपको चाहिए कची थीटा, तो थीटा बराबर लिखेंगे ना जी, तो 360 बटा n+1 निकाल सकते हो थीटा, पता चल जाएगा, क्या है कि प्रतिबिंब हमारा कथी में रहेगा हमेशा विषम में, तो वो घटाइए कि विषम लाएंगे तो वो जोड़ देंगे ओकरा अंदर तो नहीं हो जाएगा, पता चल जाएगा, दिमाग होना चाहिए ना जी, आंसर तो अपने हाथ में है। चलिए हमने एक प्रतिबिंब हमारा 3 आया था ना जी, कितना आया था 3 आया था, एगो हमारा एन बराबर 3 आया था, तो चलिए 360 बटा एन, एन का मान कितना आया 3, तो 3 प्लस 1 कितना 60 बटा 4 9 × 36, यानी कि 90 डिग्री पर बन रखे हैं, रखे हैं कि नहीं रखे हैं, एगो आ गया मान लीजिए प्रतिबिंब की संख्या कितना है 12, सॉरी मतलब 11, प्रतिबिंब की संख्या कितना है 11, प्रतिबिंब की संख्या कितना है 11, तो पता करने से कितना थीटा रखा होगा, कितना रखा है थीटा का मान, चलिए बाबू तो थीटा का मान कितना रखा है, तो 360 बटा 11 प्लस कितना 1 कहता है जोड़ने के लिए, तो जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो 360 बटा 12 × 36, 30 डिग्री पर रखा है, कितना डिग्री पर रखा है 30 डिग्री पर, समझ में आया कि नहीं आया, आप आराम से निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, चलिए बढ़िया बात है। अब इसके कल अब हम दर्पण समतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है।